नाज़रीन, हम सब लोग खैरियत से होंगे। व्यूवर्स, अगर अभी तक आप लोगों ने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल पे क्लिक करना मत भूलिएगा। तो व्यूवर्स, आज की जो सी हमारी रेसिपी है वो है रमज़ान स्पेशल, और आज इफ्तारी के हवाले से मैं आप लोगों के साथ एक रेसिपी शेयर कर रही हूँ जो है बंद गोभी के पकौड़े। ठीक है, और ये कैसे बनेगा, इसके लिए हमें एक जो फूल चाहिए, मतलब जो एक अदद हमें बंद गोभी का फूल चाहिए, इसको हम लोगों ने बारीक बारीक चॉप कर लेना है। और अपनी रेसिपी को हम लोग शुरू करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बारीक बारीक हम लोगों ने इसको चॉप कर लेना है, और उसके बाद जो सा हम लोगों ने इसको अच्छे से वॉश कर लेना है, और फिर हम आपको दिखाते हैं कि जो से रमज़ान स्पेशल रेसिपी है अफ्तारी के हवाले से। आप ये पकौड़े ज़रूर बनाएं, इंशाल्लाह सबको बहुत पसंद आएंगे। कैसी लगती है व्यूवर्स, हम लोगों ने जो सी है वो गोभी काट ली, और हम लोग यहाँ पे बारीक बारीक जो से हैं वो प्याज काट रहे हैं, और उसके बाद हम लोगों ने अच्छे से धोने के बाद बाकी मसाले जो से डाले आपको दिखाते हैं। ये तो व्यूवर्स, अब हम लोगों ने यहाँ पे अच्छी तरह से धो के बंद गोभी, प्याज, और ये मैंने डाला है इसके अंदर अनारदाना, यहाँ पर मैंने रखा है एक कप बेसन का, और इसके अंदर थोड़ी सी जो सी है वो मेथी, अगर मेथी को आप लोग हाथ से, कसूरी मेथी हाफ़ टेबल स्पून, इसको अच्छे से हाथ से अगर मसाले के जाने से खुशबू ज़्यादा अच्छी हो जाती है। ठीक है, ये मैंने इसके अंदर शामिल कर दी है, और इसी तरह ज़ीरा, ये भी मैंने हाफ़ टेबल स्पून लिया है, सूखा धनिया, ये भी मैंने एक चम्मच लिया, नमक हसबे ज़रूरत, आप लोग अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग कम ज़्यादा कर सकते हैं, और ये सुरख मिर्च पाउडर। अब इसको हम लोगों ने हल्के हाथों, पहले तो हम लोगों ने इसको ऐसे, मम्मा तो हाथ की मदद से भी इसको मिक्स कर लेते होते हैं, लेकिन मैं इसको पहले खाली इसी तरह अच्छी तरह मिक्स कर लेती हूँ, और उसके बाद इसके अंदर आहिस्ता आहिस्ता जो सा है मैदा, मतलब बेसन वो डालना है, और फिर हम लोगों ने पानी डालना है। अच्छा, अब मैंने इसके अंदर जो सा है आहिस्ता आहिस्ता से बेसन, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, दो चम्मच डाल के इसको मिक्स कर लेती हूँ, और फिर पानी के साथ इसको अच्छे से ना, पहले हम लोगों ने ऐसे ही मिक्स करना है, क्योंकि हम लोगों ने देखना ये ना, अगर हम लोगों ने पानी डाल दिया और वो पतला हो गया तो काम ख़राब हो सकता है, इसलिए पहले आप लोग सिर्फ बेसन को डालकर ही इसको मिक्स कर लें, क्योंकि बंद गोभी जो सी है वो भी गीली, क्योंकि अच्छी तरह से धोया हुआ है इसको, और अगर ज़रूरत पड़ेगी तो हम पानी शामिल करेंगे, अदरवाइज़ हम लोग इसके अंदर पानी शामिल नहीं करेंगे। ये तो व्यूअर्स, अब हम लोग अच्छी तरह से इसको मिक्स कर लिया मिक्सचर को, और अब इसको फ्राई करते हैं। मैं हाथ की मदद से मतलब डाल रही हूँ, आप लोग चाहे चम्मच से डाल सकते हैं, मम्मा भी जो है वो चम्मच से ही पकौड़े डालते थे, लेकिन मैं ये हाथ की मदद से डाल रही हूँ। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। लो टू मीडियम फ्लेम पे आपने इनको बनाना है, तो इंशाल्लाह बहुत अच्छे बनेंगे। ये रमज़ान की रेसिपी जो मैंने आपके साथ शेयर की है, आप लोग इसको ज़रूर बनाएँ, और एक डिफरेंट भी हो जाएगा, मतलब जो उनसे पकौड़े भी बन जाएंगे आपके, और एक फ्लेवर भी चेंज हो जाएगा, बहुत अच्छे लग रहे हैं, लच्छेदार जो से क्रिस्पी क्रिस्पी से ये पकौड़े तैयार होंगे आपके। इसको फ्राई करते हैं फिर आपको दिखाते हैं। तो अब हम लोगों ने इसको एक तरह से अच्छे से बना के फिर इसकी साइड चेंज कर ली है, कच्चा आप लोगों ने नहीं पलटना वरना टूट जाएगा ये पकौड़ा आपका। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, माशाल्लाह माशाल्लाह, लच्छे भी नज़र आ रहे हैं इसके अंदर गोभी के, और बहुत ही मज़ेदार सा ये तैयार हो रहा है। ये तो व्यूअर्स, अभी बिल्कुल फ्राई हो चुकी है, माशाल्लाह खुशबू बहुत अच्छी आ रही है, इसको आप निकाल लेते हैं। बिस्मिल्लाह, थोड़ा सा और कर लेते, लास्ट पे डाला था ना, ये तो व्यूवर्स माशाल्लाह माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह, हमारे जोन से पकोड़े वो हो गए हैं तैयार, और ये है इसका फाइनल लुक। तो मैं आप लोगों के सामने एक टेस्ट भी करती हूँ। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, ये देखिए केचप के साथ। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, आप लोग उसकी जो क्रिस्पनेस की आवाज़ है वो भी सुन सकते हैं कि कितने क्रिस्पी बने हैं माशाल्लाह ये, और आप लोग देख सकते हैं कि बंद गोभी भी अच्छे हैं और गल चुकी है ये बिल्कुल, माशाल्लाह माशाल्लाह बहुत ज़बरदस्त। तो व्यूअर्स, उम्मीद करते हैं कि आपको जो सी आज की मेरी रेसिपी पसंद आएगी, पसंद आए तो हम अपने फीडबैक दें,
और हमारे चैनल को भी ज़्यादा सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। इंशाल्लाह एक नई वीडियो के साथ दोबारा हाजिर होंगे, तब तक के लिए हमें इजाज़त दें, हमें दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।